और आज मैं आई हूँ त्रिमूर्ति भवन, और यहाँ मैं पहले भी आई हुई थी लेकिन नया यहाँ पे कुछ और बना है तो हमने सोचा चलिए वो देखते हैं। नया ये बना है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय बना है। थोड़े दिन पहले ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था, प्रधानमंत्री ने किया था और आज हम उसे देखने आए हैं। तो ये नेहरू जी का घर है, जो पीछे नेहरू जी यहीं रहा करते थे और इनके घर के पीछे बहुत बड़ा खुला लॉन था जिसे प्रधानमंत्री संग्रहालय वहीं पर बना दिया गया है। तो अब वो लॉन नहीं रहा और यहाँ पे एक तारामंडल भी है, तो बच्चे को अगर अपने तारामंडल दिखाना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। त्रिमूर्ति रोड पर ये बना हुआ है त्रिमूर्ति भवन और ये हम देखेंगे। आइए, दिल्ली में जंगल का मजा। कोयल बोल रही है इतनी प्यारी प्यारी आवाज में। हाँ, ये कान है, कान भगा भगा जा रहा है। हमने यहाँ से टिकट्स लिए और यहाँ मिल रहा है टिकट, टिकट काउंटर है उधर और यहाँ चेकिंग भी होती है। उसके बाद ये अंदर घूमने के लिए और फ्री सुविधा ये उपलब्ध है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और ये सबसे सुंदर तो मुझे ये जंगल ही लग रहा है, यहाँ पे कितना शांत, और कोयल भी बोल रही है, बड़ी सुंदर जगह। और यहाँ शुरू हो गया नेहरू जी का घर, देखिए कितने शानदार घर में रहते थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। सही है सही है, बड़े लोग, बड़ा बड़ा घर। यहाँ से शुरू हो जाता है नेहरू जी का निवास, जिसके लिए नेहरू मेमोरियल है। और यहाँ पे हम इस तरह की चीजें देखेंगे। क्या किताबें हैं, पुरानी पुरानी, वाह बेहतरीन, इनकी फोटो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और ये बुक्स, चलिए जीवन देखना शुरू करते हैं, अर्ली लाइफ। नेहरू जी की शुरुआती जिंदगी, यहाँ से आपको मिल जाएगा उनकी पढ़ाई लिखाई, बैरिस्टर बनने की यात्रा, प्रारंभिक प्रेरणा, फिर विवाह, फिर महात्मा गांधी के साथ 1916 से जुड़ना, स्वतंत्रता के लिए कारावास। और ये काफी खूबसूरत तस्वीर श्री नेहरू की, कांग्रेस अध्यक्ष, नौ चेतना के नेता, अंतिम आह्वान, स्वतंत्रता की राह। ये इनकी जिंदगी की लगभग लगभग पूरी यात्रा इस कमरे में दी गई है। और ये काफी खूबसूरत फोटो आपको कमरे में घुसते ही नजर आएगा। और एक डिजिटल बुक, जो पन्ने हैं पर डिजिटल है, वाओ, उनकी जिंदगी के फोटोग्राफ्स हैं शायद। ओ अच्छा, नेक्स्ट पन्ना, वाह, मुझे लगा खराब हो गया। अरे यंग जवाहरलाल नेहरू, गजब। एक पन्ना ही पलटे हम, मोटा है ना, एक पन्ना भी मोटा। वाह, ऐसा मैंने पहले नहीं देखा था। काफी स्मार्ट हुआ करते थे बचपन में भी। सारी फोटोज तो बहुत सारी है। हाँ, स्कैन कर ले। As preparations began for the transfer of power from colonial Britain
सब वीडियो में आगे आगे घुस जा रहा है, सब वीडियो तुम ही आगे आगे चले जा रहे हो। नेहरू जी की जैकेट, ग्लोव्स, टोपी, उनका फूल भी है और ये बैट है, उस जमाने का क्रिकेट बैट कितना कमजोर सा होता था। ये गोल प्लेटेड शीट है, मयान है जो सोने की है, और ये तलवार है, ये है बैटन, छड़ी, भारत की आजादी। उस क्षण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1500 किलोमीटर दूर एक शांति का चेतावनी देते हुए दंगाग्रस्त शहर कलकत्ता में शांति स्थापित कर रहे थे। यदि लोगों ने हिंसा नहीं रोकी तो वे आमरण अनशन पर बैठेंगे। महात्मा गांधी के लिए भारत की स्वतंत्रता का आनंद, भारत के विभाजन तथा उससे भड़की हुई भयानक हिंसा के कारण लुप्त हो गया था। जब आकाशवाणी भारत की स्वतंत्रता पर गांधी जी से एक संदेश के लिए कहा, तब उनका उत्तर था कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। जिस समय पंजाब, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भारी विनाश हो रहा था, गांधी जी ने बंगाल, जो कि सांप्रदायिक हिंसा का एक पारंपरिक केंद्र था, उसे शांतिपूर्ण बनाया था। समाचार पत्रों ने इस उपलब्धि की कलकत्ता के चमत्कार के रूप में सराहना की। ये नेहरू जी का शयन कक्ष है जहां वो सोते थे। हाँ, उस जमाने का पंखा, उस जमाने की रैक, जिसमें से बहुत कुछ तो मुझे लगता है मेरे नाना जी के घर में भी मिल जाएगा। उस जमाने के फैशन की चीजें कुछ कुछ ऐसी ही होती थी। उस जमाने का ही पंखा, उस जमाने की लाइट्स कैसी होती थी, और सबसे अच्छी बात है छत कितने ऊंचे होते थे, और पंखे की आप वो देखिए पाइप, छत कितने ऊंचे हैं। और सर्दियों के लिए यहाँ पर, वैसे तो ये विदेश में ज्यादा सही है, लेकिन भारत में तो 2 महीने की सर्दी पड़ती है जिसमें आप आग जला सकते हैं, सोफा और बहुत सारी किताबें। पहले के लोगों की अच्छी बात यही थी कि बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। मुझे तो ये किताबें दे दें पढ़ने के लिए मजा आ जाए। नेहरू जी का ऑफिस कम लाइब्रेरी, अध्ययन कक्ष, जो भी आप कहना चाहें, शीशे की वजह से रिफ्लेक्शन मैं ही दिख रही हूँ, बजाय कि पीछे का बैकग्राउंड दिखे। अभी शायद आप देख पाएंगे, थोड़ा करीब से मैंने कोशिश की। ये इनका वर्किंग टेबल, पुराने जमाने के टेलीफोन,
बहुत सारी फाइलें रखी हुई हैं। पुराने जमाने के बारे में सब। हाँ। बैठक। कोई मिलने आए तो उससे यहाँ मुलाकात होती थी, यानी उस समय का ये ड्राइंग रूम। सोफे भी काफी अलग है, पर शायद उस समय के बेहतरीन सोफे रहे होंगे जिस समय की ये बात है। बस एसी नया लगा है, तब एसी की जगह ये होता था। नीचे जो आप जालियां देख रहे हैं ना, वो एसी का काम करता था, मतलब एसी के लिए वो व्यवस्था थी। बाद में स्प्लिट एसी लगा दिया गया। नेहरू जी को करीब से देखिए। अखबार की कटिंग, नेहरू जी की मौत, स्वर्गवास, उनकी यात्रा यहाँ आकर समाप्त होती है। इंदिरा और नेहरू, आह, दे गए अपनी गद्दी अपनी बेटी को। इंदिरा खूबसूरत तो बहुत थी सच में। ये हमारे प्यारे लाल बहादुर शास्त्री जी, नेहरू की अंतिम यात्रा में शामिल लोग, यमुना नदी के तट पर शांति वन में इनका अंतिम संस्कार किया गया था और कई देशों से लोग आए थे इस अंतिम यात्रा में। लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू की अंतिम यात्रा। और पंचतंत्र में नेहरू विलीन होते हुए, अपनी अंतिम यात्रा में उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद में गंगा में ले जाकर प्रवाहित कर दिया जाए। एक मुट्ठी राख तो वो गंगा में प्रवाहित करना चाहते थे और बचे हुए बाकी राख को वो चाहते थे कि हवाई जहाज से भारत के खेतों में छिड़क दिया जाए, जिससे वो हमेशा के लिए भारत की मिट्टी का अभिन्न हिस्सा बन जाए। ये उनकी अंतिम इच्छा थी और उनकी वसीयत में उन्होंने ये लिखा था।